आधार कार्ड एक ऐसा कार्ड जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने आपका पहचान के लिए, आपकी आइडेंटिटी के लिए बनाया है, जो कि आप अपने किसी भी ऑफिस में जाकर प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि आधार कार्ड सेंटर लेना आप कितना आसान या फिर कितना मुश्किल है? क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक आधार कार्ड का सेंटर बनाते हैं तो आपको क्या क्या लगेगा। क्योंकि अभी UTI जो कि पैन कार्ड जो सर्विस प्रोवाइड करता था, जिसका नाम UTI ITSL है, उसने ये मोर्चा उठाया है कि आधार कार्ड का सेंटर हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पंचायत में देने वाले हैं। तो क्या है प्रोसेस आपको आधार कार्ड का सेंटर लेने का, और आप किस तरह से लेंगे, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या देना होगा, आपके पास क्या क्या मशीन पार्ट रहना चाहिए, आपको अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, आपको इनकम क्या होगा, खर्चा क्या होगा, मैं सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको एक आधार कार्ड का सेंटर खोलना है अपने गाँव में, अपने शहर में, कहीं भी, तो आप ये वीडियो कम्प्लीटली देख सकते हैं, यहाँ पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ है, अगर नहीं भी है, तो आप रेडी करके आधार कार्ड का एक सेंटर ओपन करके काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले बात करें इसकी डॉक्यूमेंटेशन की, क्या आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट रहेगा जो कि आप अपना आधार कार्ड सेंटर बहुत ही आसानी के साथ ले सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप ये सर्विस ले सकते हैं, लेकिन आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंकेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका नहीं है तो आप ये सर्विस नहीं ले सकते। इसके बाद आपके पास एक पैन कार्ड होना ज़रूरी है, साथ में आपको वोटर आईडी कार्ड भी आपके पास रहना ज़रूरी है। आपका एज जो है 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, और आपका क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप 10th क्लास पास हैं तब भी चलेगा, लेकिन 10th क्लास पास से अगर आप कम पढ़ाई किए हैं तो आप ये सर्विस नहीं ले सकते। आधार सेंटर को ओपन करने का आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, जिसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। उस सर्टिफिकेट का नाम है ऑपरेटर सर्टिफिकेट, या फिर आप सुपरवाइजर सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको दो सर्टिफिकेट में से कोई एक एग्ज़ाम भी पास करके आप सर्टिफिकेट हासिल कर लोगे, जैसे कि ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर, तो आप ये सर्विस आराम से ले सकते हैं। तो आधार सेंटर लेने के लिए आपको सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर एग्ज़ाम देने के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होता है, इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई क्या है प्रोसेस आपको जानना है, तो इस वीडियो के नीचे आपको सबसे पहले आना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको नीचे मिल जाएगा आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर एग्जाम अप्लाई लिंक, आपको वहां पर क्लिक करके वीडियो को देखना होगा। वहां पर मैंने डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताया हूं कि आपको एग्जाम देने के लिए आपको क्या क्या करना होगा और प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का ऑनलाइन ही। इसके बाद आपको एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को भी ऑनलाइन करना है, जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब है कि आपके नाम पर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अगर आपके नाम पे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर आपके पास कोई भी केस पेंडिंग है तो आप ये सर्विस नहीं ले सकते। इसीलिए आपको ऑनलाइन पे ही अप्लाई करना होता है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए। तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को हम कैसे अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ एक वीडियो, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे दे दिया हूँ, जाके आप देख सकते हैं। ये तो था आपका डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन आपको इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले एक लिंक पर आना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो के नीचे जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा सबसे ऊपर पे ही वेबसाइट लिंक, आपको वहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहां पर UTI ITSL का ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाएंगे, जो कि UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड है। यहां पर आने के बाद आपको यहां पर बहुत सारा टैब मिलेगा। तो अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली समझ लेंगे तो आप आधार कार्ड का सेंटर बहुत आसानी के साथ ओपन कर सकते हैं। आपको पता होगा UTI पहले आपको पैन कार्ड प्रोवाइड करता था, जैसे कि NSDL करता है, ठीक वैसे ही आपको UTI भी प्रोवाइड करता है। तो UTI ने अभी आधार कार्ड सेंटर देने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो आपको लेने के लिए आपको यहां पर आने के बाद यहां पर देख सकते हैं बहुत सारा मेनू है, होम, अबाउट अस, सर्विसेस, फॉर पैन कार्ड्स, और इसके बाद है फॉर आधार। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको फॉर आधार का जो मेनू है नीचे आपको मिल जाएगा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, इसके बाद है सर्विसेज अवेलेबल एंड फीस, इसके बाद नीचे है आधार सेंटर लोकेटर। आपको यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ लोकेशन आ जाएगा जहाँ पर आधार सेंटर ऑलरेडी ओपन है, और यहाँ पर ऑफिशियल ब्रांच भी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें न्यू दिल्ली का, जो कि ओपन पहले से हुआ है। अगर आप न्यू दिल्ली के पास है तो ये एड्रेस में आप जाके चेकआउट करें, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर एड्रेस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मुंबई वालों के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसके बाद है आसाम में भी स्टार्ट हो चुका है, UTI इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन ऑफिस यहाँ पर है। इसके बाद कोलकाता में भी आप यहां पर देख सकते हैं,
नेक्स्ट है वेस्ट त्रिपुरा, जो कि आप यहाँ पर डिटेल्स में चेक कर सकते हैं कि ऑफिशियल एड्रेस कहाँ पर है, आप यहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं। और लास्ट में बात करें 6 नंबर पर जयपुर है, जो कि एड्रेस पूरा मेंशन किया गया है। अगर आप यहाँ पर लगभग कहीं आसपास रहते हैं तो ये एड्रेस में जाके आप विजिट करके चेक कर सकते हैं और आपके अपना आधार कार्ड सेंटर लेने का रिक्वेस्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें, यहाँ पर आप जाके पहले पूछ लेना डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी है या फिर नहीं है तो सबसे पहले रेडी करिए, रेडी करने के बाद ही आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर रेडी करेंगे डॉक्यूमेंट और यहाँ पर विजिट करेंगे तो आपका काम बहुत ही आसानी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट पहले से ही रेडी होगा तो आपका मिलने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और भी स्टेट में काम चल रहा है आधार सेंटर का, कि कौन कौन सेंटर में अगर आप लेना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले वीडियोस के लिए आप हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इसके बाद बात करें यहाँ पर अगर आप काम करोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पर जैसे आप फॉर आधार में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सर्विसेज अवेलेबल एंड फीस का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है। यहाँ से आप देख सकते हो आपका फीस कितना होगा, कि आपको कौन सा सर्विस अवेलेबल है और आपको कौन से सर्विस के ऊपर आपको कितना रुपये मिलेगा, आपको यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया गया है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद बात करें मेसनरी पार्ट की, तो यहाँ पर आपको मेसनरी पार्ट क्या क्या रहना चाहिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक आधार यूसीएल सपोर्टेड का एक लैपटॉप आपको परचेज करना है। इसके बाद आपको एक स्कैनर परचेज करना है, एक प्रिंटर परचेज करना होगा। इसके बाद आपको एक इरिस स्कैनर भी परचेज करना होगा, जो कि आँखों का स्कैनिंग मशीन होता है, कस्टमर का आँख को स्कैनिंग करने का मशीन रहता है। इसके बाद आपको एक फिंगरप्रिंट डिवाइस लेना है, मोर्फो, मंत्रा या फिर स्टार्टेक। अगर आप चाइल्ड आधार बनाओगे, यानी कि आप छोटे बच्चों का आधार बनाओगे, तो उसका एक टैबलेट लेना होता है, जो कि आधार यूसीएल सपोर्टेड वाला एक टैब आपको परचेज करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले परचेज नहीं करने हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर विजिट करना होगा। अगर आपको लगे कि हाँ ये काम मेरे को ही मिलेगा, तो आप ये मशीन वगैरह आप सब कुछ खरीद सकते हैं। इस एड्रेस में आपको विजिट करने का यहाँ पर आपको टाइम भी दिया गया है, कौन से टाइम में आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पर आपको डिटेल्स में मेंशन किया गया है। तो सबसे मेन डॉक्यूमेंट इसका होता है आधार सुपरवाइजर या फिर आधार ऑपरेटर एग्जाम का सर्टिफिकेट। अगर आपको जानना है कैसे अप्लाई करते हैं तो इस वीडियो के नीचे आने हैं, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे आपको मिल जाएगा वीडियो का लिंक कि आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर एग्जाम के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, उसका डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।